नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों अभी एक वीजा और अप्रूव हुआ है सिंगापुर का, और जिनका वीजा अप्रूव हुआ है मनोरंजन भाई वो हमारे साथ में है, आइए मिलते हैं उनसे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका वीजा आया। थैंक यू सर। कैसा लगा आपको जब वीजा आया? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा वीजा कल अप्लाई था, आज अप्रूव हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेट। तो जैसे हमारे कलीग ने आपको बताया कि आपका वीजा अप्रूव हो गया, तो कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा, घर में भी सब बहुत खुश हैं, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी। तो जैसे हमने इतने लंबे समय तक इंतजार किया, उसका रिजल्ट आ गया। जी सर। ट्रेनिंग किया आपने, ट्रेनिंग में काफी मेहनत लगती है। जी सर। ट्रेनिंग कैसी थी? ट्रेनिंग भी वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है। थोड़ा लेट हुआ था, मेरा पर्सनल रीजन था, नहीं तो बहुत अच्छा है वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्रेनिंग करते हैं तो जो जिस प्रोफाइल में जाते हैं काम सीख जाते हैं अच्छे से? हाँ जरूर, सिखाते हैं, अगर कुछ को कुछ मालूम नहीं तो भी सिखा लेते हैं, बहुत जल्दी होता है, एक से डेढ़ मिनट में अंदर हो जाता है। ओके ओके ओके। और टेस्ट कैसे रहता है, कठिन होता है क्या? नहीं नहीं, टेस्ट भी कुछ करके नहीं, वो तो टाइम देते हैं, जैसे कि 2 महीना टाइम देते हैं प्रिपेयर होने के लिए, तो टेस्ट में दिक्कत कुछ नहीं आता है। ओके ओके ओके। मतलब कोई भी अगर ढंग से ट्रेनिंग करेगा तो पास कर सकता है? कोई करेगा तो कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर। इसमें इंग्लिश की जरूरत है? हाँ इंग्लिश की थोड़ा बहुत जरूरत है, थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा तो नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। मतलब कि अगर किसी को नॉर्मल इंग्लिश आती है तो भी वो नॉर्मली कम्युनिकेशन कर लिया तो भी हो जाएगा, वही नॉर्मल थोड़ा इंग्लिश चाहिए। ट्रेनिंग जब करते हैं तो प्रोजेक्ट देते हैं करने के लिए? हाँ डेली प्रोजेक्ट देते हैं। ठीक है, तो वो टाइमली करने में कोई परेशान नहीं ना? नहीं, जिसका थोड़ा लेट है वो तो बताते हैं, फिर वो धीरे धीरे टाइम पे हो जाता है वो। जी। मतलब ट्रेनिंग देने के बाद अगर कोई बाहर जाता है तो अपने काम के बारे में कॉन्फिडेंट है कि कर लेगा, और काम अच्छा आएगा तो वहाँ का एम्प्लॉयर भी खुश हो जाएगा। हाँ बहुत खुश हो जाएगा। ऐसे से ट्रेनिंग के बारे में आपने इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाया? नहीं मैं तो जैसे कि त्रिपुर के बारे में यूट्यूब में वीडियो देखा, ऐसे बहुत सारे मेरे गांव के दो तीन आदमी गए थे तो उनसे बात करके ट्रेनिंग में गया मैं। जी। जब आप वहाँ मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट की, आपने सर्च किया सिंगापुर के बारे में, तो सिंगापुर ही क्यों चुना, और भी देश जाने के लिए? सिंगापुर जैसे भी मेरा गांव वाले गए थे वो तो बोल रहे हैं वहाँ बहुत अच्छा, फिर भी मेरे को पहले से मालूम था कि क्लीन कंट्री है, बहुत अच्छा है, इसलिए मेरे को सिंगापुर पसंद है। वहाँ ग्रोथ है? हाँ जी। लाइफ स्टाइल भी अच्छी है? लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है। बढ़िया, ग्रेट। दोस्तों जैसे हम बताते हैं कि एसएससी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में 18 साल तक काम कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम की प्लानिंग अगर किसी को करना है ना तो सिंगापुर बेस्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, तो आपने सुना इंग्लिश की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिक इंग्लिश अगर किसी को आती है और जो डेली बेसिस पे वहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है प्रोजेक्ट बेस पर, तो कोई भी कैंडिडेट वहाँ पर सीख सकता है, बिल्कुल कठिन नहीं है। ट्रेनिंग बहुत आसान होती है और जो लोग भी रियली इंटरेस्टेड होते हैं ना उनके लिए वो एंजॉयमेंट बन जाता है। आपको कठिन लगता था? नहीं नहीं, कुछ कठिन आसान था ना? नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान होता है, क्योंकि अभी तक जितने लोगों का एक्सपीरियंस हमने देखा सब लोग खुश थे ट्रेनिंग से, और ट्रेनिंग होने के बाद जब टेस्ट होता है तो टेस्ट भी आसान होता है। टेस्ट कोई उतना दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 महीने से काम कर रहे ना तो वही सेम चीज कर रहे हैं, तो सेम चीज, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, इसलिए वो तो स्किल एवोल्यूशन सर्टिफिकेट भी, स्किल पहले से ही डेवलप हो जाती है। जो लोग भी सिंगापुर जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, जैसे कंडीशन है कि यूपी बिहार बंगाल यहाँ के वीजा नहीं लगते इसलिए वो लोगों को हम नहीं ले पाते हैं, वहाँ वीजा ही नहीं लगेगा इसलिए, तो जो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं यूपी बिहार बंगाल के अलावा वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रेनिंग के माध्यम से उनको अगर कुछ नॉलेज नहीं भी होगा, ट्रेनिंग में सीखने को उनको मौका मिलता है, इसलिए जो लोग भी जाना चाहते हैं वो टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जैसे अभी मनोरंजन भाई का वीजा लगा वैसे आप लोगों का भी वीजा लगेगा। और सिंगापुर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा रिजल्ट 100% है, अभी तक जितने लोगों का वीजा लगा उनका वीजा 100% ही लगा, तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो डेफिनेटली इसमें लॉन्ग टाइम प्लानिंग कर सकते हैं। टीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टीम भी बहुत अच्छा है सर, मैं तो थोड़ा लेट कर लिया था, फिर भी जब फोन को तब तुरंत रिस्पॉन्स आता है, बहुत अच्छा है टीम। जी, हमारे दर्शकों को जो दूसरे दर्शक अगर कोई भी जाना चाहते हैं तो एसएससी ट्रेनिंग लेके जा सकते हैं, बहुत अच्छा है, करियर के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जी। कोई भी आ सकता है। सो दोस्तों जो लोग भी एलिजिबल हैं वो टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी एसएससी का हम नया बैच बनाने वाले हैं, और जहां पर भी सेमिनार्स हो रहे हैं जैसे अभी अगरतला में है, गुवाहाटी में है, और भी सेमिनार अनाउंस होंगे, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं और अगर ऑफिस नहीं आ सकते वो लोग सेमिनार में आएंगे तो वहां से भी उनका एप्लीकेशन हो सकता है, बाद में ऑनलाइन एग्रीमेंट के माध्यम से एप्लीकेशन किया जा सकता है। इसमें सिंपल क्राइटेरिया है, कोई भी कैंडिडेट, इसमें क्वालिफिकेशन कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, एज लिमिट के हिसाब से होना चाहिए, पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, और सिंपल सी बात है इंटरेस्टेड होना चाहिए, बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। सो ये जो एक्सपीरियंस रहा मनोरंजन भाई का उन्होंने आपको शेयर किया, तो आपको बहुत बहुत बधाई वंस अगेन, और आपके लिए शुभकामनाएं, आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच।
मोस्ट वेलकम। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।